Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a series of lectures over the main heading Curriculum, in which the first lecture will be based on the evolution, meaning, definition and difference of curriculum with syllabus. And the lecture will be useful for various competitive teaching examinations as well as for your general BA, MA and professional BA, DMET courses. Okay, so let's start. First of all, evolution of curriculum. ये जो हम पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ते हैं, हम पाठ्यक्रम को इतना जानते हैं, करिकुलम को हम इतना इतना इजीली यूज कर लेते हैं, उसका उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, कब से करिकुलम की बात की जाने लगी शिक्षा दीक्षा में? तो जॉन डीवी एंड जॉन फ्रेडरिक हर्बार्ट आर द टू एजुकेशनिस्ट एंड थिंकर्स हु कैन बी एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग्स ऑफ द फील्ड ऑफ करिकुलम. यानी कि जब जब पाठ्यक्रम की बात होगी तो हमको ये याद आएगा कि जॉन डीवी और हर्बार्ट ने पाठ्यक्रम, ये ऐसे थिंकर्स हुए जिन्होंने, जिनको कि हम पाठ्यक्रम के शुरुआती उद्भव से, उसके उद्भव से, शुरुआती काम से पाठ्यक्रम के जोड़ सकते हैं. तो सबको पता है कि जॉन डीवी ने एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस किताब लिखी और बहुत काम है इनका शिक्षा पर. और हर्बार्ट साहब, देखिए जितने बच्चे बीएड करते हैं ना, उन्होंने जरूर हर्बार्टियन स्टेप फॉलो करते हैं वहां पे हम लोग. हर्बार्ट का जो वो एपरसेप्शन मास ऑफ थ्योरी का सिद्धांत है, एपरसेप्शन मास का सिद्धांत है, लॉ ऑफ एपरसेप्शन क्या कहता है हर्बार्ट का, कि जो हमारे मास मतलब ब्रेन का जो मास है उसमें जो प्रीवियस एलिमेंट्स हैं, जो हमने पहले से जाना होता है, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है, उससे नए नॉलेज को जब आप उसके सामने आती है तो वो उसके संग कंबाइन होके एक पुख्ता ज्ञान का स्रोत बनता है. इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके बच्चे को पढ़ाइए, है ना. तो ये कुछ इनके जिनके बारे में ये मशहूर हैं, बहुत जाने जाते हैं और हर्बार्ट का करिकुलम पर भी काम है. तो हम कह सकते हैं कि जॉन डीवी और जॉन फ्रेडरिक हर्बार्ट जो हैं वो दो एजुकेशनिस्ट या थिंकर्स हैं जो कि करिकुलम की बिगिनिंग से जुड़े हुए हैं. थियरीज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग वर प्रोपाउंडेड एंड द हर्बार्टियन थियरी एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, कि किसको चुना जाएगा, कैसे संगठित किया जाएगा कंटेंट. तो यही सब तो करिकुलम में हमको करना है कि क्या रखना है, कैसे रखना है, कौन से हिस्से रखने हैं, किनको छोड़ना है, है ना. फिर मीनिंग पे आते हैं. तो द टर्म करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरियर व्हिच मींस रन और रन अवे और रनिंग कोर्स, है ना. तो हमको कोर्स को रन कराना है, तो कोर्स को रन कराने से क्यूरियर लैटिन वर्ड, उसका रन उसके पीछे मेन थीम है और वहां से करिकुलम का उद्भव होता है लैटिन के शब्द से. दस करिकुलम मीन्स ए कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग ए सर्टेन गोल. तो करिकुलम का अर्थ क्या है कि हमको करिकुलम क्या है कि एक कोर्स को हमको चलाना है साल भर या जो भी आपका टेन्योर है, ताकि हम एक सर्टेन गोल को पा सकें. वो गोल क्या है? लर्निंग आउटकम. लर्निंग आउटकम ही तो बोले कि हमने किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए इस कोर्स की रचना की है. अ करिकुलम मींस द टोटल सिचुएशन सेलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूशन एंड मेड अवेलेबल टू द टीचर टू ऑपरेट एंड टू ट्रांसलेट द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इनटू रियलिटी. मतलब जो ऑन पेपर एम लेकर हम चले हैं वो यथार्थ रूप में कब आ जाएगा? कि जब वही कोर्स कंटेंट को टीचर ट्रांसलेट कर देगा, इंप्लीमेंट कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा अपने स्टूडेंट्स पर, है ना. Curriculum is a very general concept which involves consideration of the whole complex of philosophical, social and administrative factors which contributes to the planning of an educational program. यानि किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम को चलाने के लिए, मतलब करिकुलम में सब आ जाता है, दार्शनिक, सामाजिक और जो प्रशासनिक कारक काम कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्लान को रन कराने के लिए, सब कुछ आ जाता है करिकुलम के अंतर्गत. करिकुलम इज परहैप्स बेस्ट थॉट ऑफ एज दैट सेट ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज व्हिच आर डिजाइंड टू इंप्लीमेंट ए पर्टिकुलर एजुकेशनल एम, सेट ऑफ सच एम्स इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट ऑफ व्हाट इज टू बी टॉट एंड द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स व्हिच आर टू बी डेलिबरेटली फॉस्टर्ड. Together with these statements of criteria for selection of content and choices in methods, material and evolution. मतलब ये कह रहे हैं कि set of planned activities है, यानी कि हमने नियोजन किया, नियोजित की हुई क्रियाएं. ऐसा नहीं है कि हमने बैठा और आज कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं, ये curriculum नहीं है. ये सब कुछ पहले से planned है कि हमको किन educational aims की प्राप्ति के लिए
क्या ज्ञान देना है, कौन सा कंटेंट पढ़ाना है, कौन से ज्ञान कौशल और एटीट्यूड का डेवलपमेंट आपके अंदर करना है, डिलीवरेटली फोस्टर्ड, हम जानबूझ के आपके अंदर फोस्टर करेंगे। इसके अलावा हम ये भी चुनेंगे कि कौन सा कंटेंट किस तरीके से और किस मटेरियल से पढ़ाया जाएगा और कैसे आपका इवेल्युएशन किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ अगर डेफिनेशन देखना चाहें करिकुलम की, तो रिचार्ड्स बहुत सारी हैं पर मैंने कुछ ही दी हैं। रिचार्ड्स प्लैट एंड प्लैट 1993 में डिफाइन करते हैं इसको, करिकुलम एज एन एजुकेशनल प्रोग्राम, है ना, एक शैक्षिक कार्यक्रम है विच स्टेट्स द एजुकेशनल पर्पस ऑफ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है उसका जो शैक्षिक उद्देश्य है वो बताता है, द कंटेंट ऑफ टीचिंग प्रोसीजर्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, कंटेंट ऑफ टीचिंग प्रोसीजर्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंस यानी कि जो शिक्षण का शिक्षण के तरीके हैं और जो अधिगम का अनुभव है उसकी विषय वस्तु बताता है, विच विल बी नेसेसरी टू अचीव दिस पर्पस, है ना, क्यों, क्योंकि जरूरी है कि कंटेंट पता हो, लर्निंग एक्सपीरियंस पता हो ताकि हम अपने गोल को पा सकें, एंड सम मींस फॉर असेसिंग वेदर और नॉट द एजुकेशनल एंड्स हैव बीन अचीव, और हमारे पास कुछ ऐसे मूल्यांकन के तरीके भी होने चाहिए जो ये बता पाएं कि हम उन एंड्स तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। इन द वर्ड्स ऑफ कनिंघम, अगर कनिंघम के शब्दों में देखें तो करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट यहाँ कौन है, शिक्षक है, यानी शिक्षक के हाथ में एक उपकरण है करिकुलम टू मोल्ड हिज मटेरियल, उसका मटेरियल क्या है, आर्टिस्ट का यानी शिक्षक का शिष्य, जिसको कि वो मोल्ड कर सके अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल या ऑब्जेक्टिव्स इन हिज स्टूडियो, मतलब अपने विद्यालय में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने शिष्यों को शिक्षक मोल्ड कर सके, वो उपकरण करिकुलम है। हिल्डा टाबा डिफाइन करती हैं करिकुलम को एज अ प्लान फॉर एक्शन और रिटन डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग डिजायर्ड गोल्स और एंड्स, वो कह रही है कि एक रूपरेखा है, एक नियोजित एक्शन का कार्यक्रम है हमारे पास, जो लिखा हुआ है, लिखित है, मतलब ओरल नहीं है, रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसके अंतर्गत स्ट्रेटजीज भी आती हैं कि हम कैसे उन गोल्स को पाएंगे जिनके लिए हमने वो कोर्स बनाया है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदालिया कमीशन, जिसका कि सेकेंडरी एजुकेशन पे बहुत काम था, उसने भी करिकुलम को डिफाइन किया है, करिकुलम इंक्लूड्स टोटैलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस प्यूपिल रिसीव्स थ्रू द मैनिफोल्ड एक्टिविटीज दैट गो ऑन इन द स्कूल, क्लासरूम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, वर्कशॉप, प्लेग्राउंड एंड इन न्यूमरस इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट्स बिटवीन टीचर्स एंड पीपल्स, वो कह रहा है कि पाठ्यक्रम उन सभी अनुभवों का समेकीकरण है, पूर्णता है अनुभवों की, जिसमें कि जो शिष्य है वो रिसीव करता है मैनीफोल्ड एक्टिविटीज, क्या क्या चल रहा है विद्यालय में, कुछ कक्षा कक्ष में चल रहा है, कुछ पुस्तकालयों में चल रहा है, कुछ प्रयोगशालाओं में चल रहा है, कुछ कार्यशालाओं में चल रहा है, खेल कूद के मैदान पे चल रहा है, और इसके अलावा भी टीचर और प्यूपिल इनफॉर्मली इतनी बार एक दूसरे से मिलते हैं, वो सब कुछ करिकुलम, क्योंकि वो सब कुछ सिखाता है कुछ ना कुछ। तो करिकुलम की जितनी डेफिनेशंस हुई उनसे निकल कर आया, सेवरल डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम हैव बीन प्रपोज्ड बाय करिकुलम स्पेशलिस्ट, बीन एट अल हैव ग्रुप्ड मोस्ट ऑफ दीज डेफिनेशंस अंडर द फॉलोइंग फोर कैटेगरीज, मतलब कि बहुत सारी डेफिनेशंस आप करिकुलम की पाएंगे तो आप पाएंगे कि करिकुलम को चार तरीके से उसका कंसेप्ट देखा गया है, कि करिकुलम क्या है एज अ प्रोडक्ट, कुछ डेफिनेशंस इस तरीके की हैं जो बताती हैं कि करिकुलम जो अंत में निकल कर आ रहा है उत्पाद वो है, कुछ कहते हैं कि करिकुलम इज ए प्रोग्राम, मतलब करिकुलम यानी पाठ्यक्रम एक कार्यक्रम है, कुछ लोग कहते हैं कि करिकुलम इज इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, यानी इंटेंडेड यानी हमने हम चाहते हैं इंटेंशनली जानबूझकर चाहा जाने वाला अधिगम का आउटकम है, कुछ कहते हैं कि करिकुलम प्लान्ड लर्नर एक्सपीरियंस है, यानी कि आप लर्नर को कौन से अनुभव देंगे वो आपने पहले से नियोजित कर दिया है वही करिकुलम है। ठीक है, अब सिलेबस पे आते हैं, पाठ्यचर्या, करिकुलम पाठ्यक्रम है, सिलेबस पाठ्यचर्या है। The word syllabus derives from modern Latin syllabus, list. क्यों? क्योंकि syllabus में सब कुछ list out होता है। देखिए, बहुत ज्यादा curriculum और syllabus का अंतर पूछा जाता है और इतना minute अंतर है तब भी बहुत सारे हमारे शिष्य बच्चे लोग नहीं जानते हैं curriculum और syllabus का अंतर और उसको भी गलत लिख कर आते हैं, तो इतना आसान चीज आप गलत नहीं करेंगे अब, है ना। Syllabus is defined as the documents that consist of topics or portion covered in a particular subject. Syllabus क्या है? Defined है, लिखित है, परिभाषित है कि किसी particular subject में कौन से topics या portion या विषय topics या portion cover किया जाएगा। It explains the summary of different topics covered or units that will be taught in a specific subject or discipline under the particular course. यानी किसी particular course के particular specific subject में क्या पढ़ाया जाएगा, वो topic कौन से cover किए जाएंगे, वही syllabus है। It prescribes the topics and concepts on the basis of which students will be tested in the final examination. यानी कि आप ये नहीं कहते हैं कि क्या नाम है, ये syllabus से बाहर से आया है इसलिए आप नहीं, आप इसको पूछ सकते exam में, आप ये कहते हैं ना कि सिलेबस से बाहर के बाहर से आया नहीं आना चाहिए, ये तो नहीं कहते हैं करिकुलम के बाहर से आया, तो
क्योंकि करिकुलम बहुत ब्रॉड है, करिकुलम टोटैलिटी ऑफ एक्सपीरियंस है, सिलेबस टोटैलिटी ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है, सिलेबस सिर्फ वो टॉपिक्स हैं, शिक्षण बिंदु हैं जिनसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में. A syllabus actually serves as a contract between the students and the teachers, which contains functions and ideas that are used for the assessment of the student's performance. यानी कि एक तरीके से contract हमारा student के साथ है कि ठीक है इतना पढ़ना है और इतने से ही हम पूछेंगे. It refers to the content of what is to be taught and the knowledge, skills and attitudes which are to be deliberately fostered together with state-specific objectives. A syllabus is a specification of the content of a course of instruction and lists what will be taught and tested. आसान है, specification of the content of a course. यानी हमने content को भी बिल्कुल specify कर दिया है, बता दिया है कि आपको पढ़ना है intelligence, definition, theories and measurement of intelligence. और निश्चित रूप से थ्योरीज में हमको थ्योरीज के नाम बताने होंगे क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की. तो आप फिर आप बच्चा पढ़ेगा कुछ, शिक्षक पढ़ाएगा कुछ और एग्जामिनर पूछेगा कुछ, तो वो दिक्कत होती है. तो जो आपको पूछना है आप लिखित बताइए, लिस्टेड है, वर्बली नहीं, आपके मन में नहीं कि आपने सोच लिया कि हम ये पूछेंगे, नहीं, आप उसे लिख के दीजिए. ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन है कंटेंट का और वही पढ़ाया जाएगा, वही पूछा जाएगा. ठीक है, तो अगर अंतर हम देखना चाहें, बेसिस बहुत लंबा अंतर भी मिल सकता है पर मोटा मोटा ये बहुत है. बेसिस फॉर कंपैरिजन, अगर सिलेबस और करिकुलम में मीनिंग का ही अंतर देख लीजिए कि इट इज द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द पोर्शन ऑफ द सब्जेक्ट कवर्ड इन ए सब्जेक्ट और इट इज द ओवरऑल कंटेंट टॉट इन एन एजुकेशनल सिस्टम और ए कोर्स. मतलब ये वो डॉक्यूमेंट है, वो पोर्शन है जो आप पढ़ाएंगे और ये ओवरऑल कंटेंट है करिकुलम. सेट फॉर सिलेबस किसके लिए सेट किया गया, एक सब्जेक्ट के लिए, और करिकुलम किसके लिए सेट किया गया, पूरे कोर्स और प्रोग्राम के लिए. ठीक है, नेचर जो आपके सिलेबस का है वो डिस्क्रिप्टिव है और करिकुलम का जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव है. ठीक है, स्कोप सिलेबस का नैरो है और करिकुलम का वाइड है. नैरो मतलब कि संकीर्ण है, उससे कुछ नहीं पूछ, उसको आपको पता है कि उससे क्या होना है क्या नहीं होना है. और करिकुलम में वाइड है क्योंकि ओवरऑल क्योंकि करिकुलम का हिस्सा सिलेबस है. और जो टर्म है वो सिलेबस का फॉर ए फिक्स्ड टर्म है और करिकुलम का टिल द कोर्स लास्ट है ना. सिलेबस का फॉर ए फिक्स्ड टर्म यानी कि आपको पता है कि सिर्फ इतने समय के लिए आपको पढ़ाना है ये, और करिकुलम जब तक कोर्स खत्म ही होगा तब तक. और यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी सिलेबस जो है वो सेम फॉर ऑल टीचर्स है. क्यों? क्योंकि कोई भी पढ़ाएगा तो उसको पता है कि यही यही टॉपिक है जो उसको पढ़ाने हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है. लेकिन करिकुलम क्या है, वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर है. क्यों? क्योंकि आपको जितना भी आपका प्रिस्क्रिप्शन है वो आप खुद देंगे. आपको पता है कि ये टॉपिक पढ़ाने किस तरह से पढ़ाना है, ये टीचर टू टीचर वेरी कर सकता है. लेकिन सिलेबस सेम फॉर ऑल टीचर, यानी कि हमको पता है कि ये 5 पॉइंट हमको पढ़ाने हैं, लेकिन किस तरीके, करिकुलम एक ओवरऑल खाका हमने लिख दिया है, उसको कोई टीचर किस तरह से डिलीवर करता है, तो ये वेरी करेगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं. ठीक है, तो ये मोटा मोटा अंतर सिलेबस और करिकुलम के बीच का है. तो करिकुलम, इसका इवोल्यूशन डीवी और हर्बार्ट से होता है, इसकी डेफिनेशंस, ये टोटैलिटी ऑफ एक्सपीरियंस है. फिर उसके बाद ये क्यूरियर शब्द से इवॉल्व हुआ है जिसका मतलब होता है रन अ कोर्स. उसके बाद आप सिलेबस लिस्ट से इवॉल्व हुआ है, इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंटेंट. और फिर दोनों के बीच में अंतर, मोटा मोटा अंतर यही कि करिकुलम कोर्स के लिए है, सिलेबस सब्जेक्ट के लिए है. करिकुलम ब्रॉड है, सिलेबस नैरो है. करिकुलम डिफर कर सकता है, वेरी करता है टीचर टू टीचर, और सिलेबस जो है वो सेम रहता है. क्यों? क्योंकि सबको पता है कि वही वही चीजें पढ़ानी है, लेकिन कैसे पढ़ानी है, तो ये जो अंतर आता है वो आ जाता है करिकुलम. ठीक है, तो I have covered this topic, curriculum, its evolution, meaning, definition and difference with syllabus. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education, done from my side.